चुनावी साल है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में शांति धारीवाल और खाचरियावास के विरोधाभासी बयानों पर प्रदेश संगठन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रियों को कंट्रोल करने की हिदायत दी है। राज्य सरकार में मंत्रियों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस के संगठन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बेहद खफा है। उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच चल रहे बयानों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी है। रंधावा ने कहा कि मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रियों की ओर से की जा रही इस प्रकार की बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी रंधावा ने कहा, मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ठीक नहीं। रंधावा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा है, आपके मंत्रियों को कंट्रोल कीजिए। मंत्रियों को कंट्रोल करना चीफ मिनिस्टर का काम है। संगठन में मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। इस मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा से भी रिपोर्ट मांगी है। रंधावा ने मंत्रियों के मत भेदों को सार्वजनिक मंच पर रखने से बचने की हिदायत दी। इसके बाद किसी भी मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया। दरअसल शांति धारीवाल का पिछले दिनों एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा, तीन तीन मंत्री और छह विधायकों के आपसी विवाद के कारण जयपुर लगातार पिछड़ रहा है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ना मंत्री होते ना विधायक होते तो काम समय पर पूरे हो जाते। उन मंत्री और विधायकों के जो आपसी विवाद पैदा हो जाते हैं, इसलिए काम अटक जाते हैं। प्रदेश में स्मार्ट सिटी में चार शहर कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जयपुर में हो पाया। मैं भी वही कहूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, धारीवाल ने 22 जून को जिस तरह की भाषा बोली, उससे यह लग रहा है कि उनके नेता सोनिया गांधी और अशोक गहलोत नहीं बल्कि गुलाबचंद कटारिया है। धारीवाल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर बात करते हैं। उन्होंने संकल्प ले रखा है कि कैसे गलत बयान देना है। जिस तरह की भाषा धारीवाल बोलते हैं, वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। धारीवाल को पार्टी से अनुशासनहीनता का नोटिस भी मिला, इसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वह कांग्रेस विरोधी।
उन मंत्रियों और विधायकों के जो आपसी विवाद पैदा हो जाते हैं, इसलिए काम अटक जाते हैं। पर देश में स्मार्ट सिटी में 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जयपुर में हो पाया। मैं भी वही कहूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा धारीवाल ने 22 जून को जिस तरह की भाषा बोली, उससे यह लग रहा है कि उनके नेता सोनिया गांधी और अशोक गहलोत नहीं बल्कि गुलाबचंद कटारिया हैं। धारीवाल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर बात करते हैं। उन्होंने संकल्प ले रखा है कि कैसे गलत बयान देना है। जिस तरह की भाषा धारीवाल बोलते हैं, वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। धारीवाल को पार्टी से अनुशासनहीनता का नोटिस भी मिला, इसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वह कांग्रेस विरोधी है। उन मंत्रियों और विधायकों के जो आपसी विवाद पैदा हो जाते हैं, इसलिए काम अटक जाते हैं। पर देश में स्मार्ट सिटी में 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जयपुर में हो पाया। मैं भी वही कहूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा धारीवाल ने 22 जून को जिस तरह की भाषा बोली, उससे यह लग रहा है कि उनके नेता सोनिया गांधी और अशोक गहलोत नहीं बल्कि गुलाबचंद कटारिया हैं। धारीवाल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर बात करते हैं। उन्होंने संकल्प ले रखा है कि कैसे गलत बयान देना है। जिस तरह की भाषा धारीवाल बोलते हैं, वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। धारीवाल को पार्टी से अनुशासनहीनता का नोटिस भी मिला, इसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वह कांग्रेस विरोधी।